गुड मॉर्निंग चैम्पियंस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फीलिंग फाइन एंड वेल प्लेइंग एट योर होम. माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ योर मॉरल वैल्यू क्लास टुडे. सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू टेक अ प्लेज. आई हरमन कमिट टू बी विजिलेंट एंड बियर इन माइंड एट ऑल टाइम्स अ रिस्क टू माई सेल्फ एंड माई क्लीग्स फ्रॉम COVID-19. आई प्रोमिस टू टेक ऑल नेसेसरी प्रिकॉशन दैट प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ दिस डेडली वायरस. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Dear student, this is your moral value class. So open your book page number 17 and chapter number 4, and chapter name is the ant and the grasshopper. So as you know that students, we already done this story in your previous class, means in UKG class. Now we are going to do this story in a brief. Okay, so let's start our reading. There was once an ant and a grasshopper. They lived in a field. They used to play and talk. एक समय की बात है कि क्या कौन कौन होता है, ग्रास और ग्रास होपर एंड आंट होती हैं. वो कहाँ पे रहती हैं, खेतों में रहती हैं. वो आपस में बात भी करते हैं, ठीक है, बातें करते हैं, इकट्ठे रहते हैं, बात करते हैं और क्या करते हैं, खेलते हैं, प्ले करते हैं साथ में इकट्ठे, ठीक है. ये क्या है बच्चे, ये है, लुक एट हियर, ये किसकी पिक्चर है, आंट की. ये क्या है, ग्रास होपर, ठीक है. Next, the weather those day was very pleasant. One day grasshopper was enjoy the weather. ठीक है, उन जब उन कुछ दिनों की बात, उन दिनों की क्या होता है बच्चों, जो मौसम होता है very pleasant means के बहुत ही सुहावना और मीठा मीठा सा मौसम होता है. क्या करता है grasshopper उस weather में, उस weather को enjoy करता है, ठीक है. He was singing merrily to himself. ठीक है, वो अपने वो मौसम को इंजॉय करता हुआ मुंह में गुनगुनाता है, सिंगिंग करता है, मीन्स के मुंह में. जब बच्चे जब हम खुश होते हैं, कोई भी चीज़ इंजॉय करते हैं तो हम गुनगुनाते हैं, कुछ कोई गाना गाते हैं. ऐसे ही वो इंजॉय कर रहा था ग्रासहॉपर वेदर को और मुंह में गाना गा रहा था, ठीक है, उसको इंजॉय करता कर रहा था. जस्ट देन ही सो द आंट इन वॉकिंग बाय. उसने जब वो गा रहा था, मौसम को इंजॉय कर रहा था, उसने देखा कि उसके पास से कौन जा रहा है, आंट जा रही है. द आंट वॉज पुलिंग ग्रेन्स ऑफ व्हीट वन आफ्टर अनदर एंड कैरिंग देम टू हर हाउस. ठीक है, क्या कर रही थी आंट, जो ग्रेन्स होती है, कनक होती है, उसको इकट्ठा कर रही थी, एक के बाद एक को अपने हाउस में लेके जा रही थी, इसको स्टोर कर रही थी अपने हाउस में. द ग्रास ऊपर वॉज सरप्राइज. ही आस्ट व्हाट आर यू डूइंग. जो ग्रास ऊपर था क्या हो गया, सरप्राइज हो गया. ही आस्ट व्हाट आर यू डूइंग. उसने पूछा, उससे आंट से पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो. ठीक है, उसने पूछा तुम ये क्या कर रही हो. ही आस्ट व्हाट आर यू डूइंग. ठीक है, उसने पूछा तुम क्या कर रही हो. आंट सेड विंटर्स विल बी हियर सून. के यहाँ पे सर्दी का मौसम बहुत ही जल्दी आने वाला है. आई एम कलेक्टिंग फूड फॉर विंटर सीजन. के मैं विंटर के सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा कर रही हूँ, फूड को इकट्ठा कर रही हूँ. ग्रासहॉपर वॉज सरप्राइज. ग्रासहॉपर हैरान रह गया. ही सेड विंटर सीजन इज 5 मंथ अवे. ग्रास ऊपर ने बोला कि अभी विंटर सीजन आने में 5 मंथ पड़े हैं, कि अभी वो 5 मंथ दूर है. वाई स्टोर फूड सो अर्ली, कम एंड प्ले विथ मी. कि तुम इतनी जल्दी खाना क्यों इकट्ठा कर रही हो, आओ तुम मेरे साथ खेलो. नो सेड द आंट, आई विल टेक मी टाइम टू फाइंड फूड. आई हैव टू स्टोर फूड फॉर द होल ऑफ विंटर सीजन. आंट ने बोला नहीं कि मैं खाना इकट्ठा करूँगी, क्योंकि मुझे खाना इकट्ठा करने में और ढूंढने में टाइम लगता है, तो मैं अपने पूरे विंटर सीजन के लिए खाना इकट्ठा करनी चाहती हूँ. ठीक है, मैं कर रही हूँ. आई कांट प्ले नाउ, कि मैं अभी तुम्हारे साथ खेल नहीं सकती. सो फर्दर सेड व्हाई डोंट यू ऑल्सो कम एंड स्टार्ट कलेक्टिंग फूड. फिर आंट ने उसको बोला ग्रासहॉपर के, आओ तुम भी मेरे साथ आओ, कि तुम भी खाना क्यों नहीं इकट्ठा कर रहे, आओ तुम मेरे साथ आकर खाना को इकट्ठा करो. और नो रिप्लाइड द ग्रासहॉपर. ग्रासहॉपर ने क्या रिप्लाई किया आंट की इसको बात का, ओके नहीं मैं नहीं आऊँगा, मैं नहीं आऊँगा अभी नहीं आऊँगा. ठीक है,
आई एम इन्जॉइंग द वेदर मे बी सम अदर डे, कि मैं अभी मौसम को इंजॉय कर रहा हूँ कि मैं शायद कुछ दिनों बाद इकट्ठा करूँगा खाना, ठीक है। द ग्रास ओपर स्टार्टर सिंगिंग अगेन वाइल द आंट स्टार्टर डूइंग हर वर्क। ग्रास ओपर ने फिर से खाना इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया और फिर से ही वेदर को इंजॉय करते हुए गुनगुनाना शुरू कर दिया। सून द वेदर चेंज, बहुत ही जल्दी, ठीक है, सीजन मीन्स के वेदर चेंज हो गया। इट बिकेम वेरी कोल्ड, कि मौसम बहुत ही जरा ठंडा हो गया। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू गो आउट ऑफ द हाउस टू फाइंड फूड, कि बहुत ही मुश्किल हो गया कि खाने को फाइंड करना, ठीक है। इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू गो आउट ऑफ द हाउस टू फाइंड फूड, ठीक है, घर से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो गया कि इतना मौसम ठंडा था कि वो बाहर जाकर खाना इकट्ठा नहीं कर सकते थे। नाउ ग्रासहॉपर वाज इन द ट्रबल, कि अब वो मुसीबत में आ गया ग्रासहॉपर। ही हैड नथिंग टू ईट, इसके बाद खाने के लिए कुछ नहीं था। ही वॉज डाइंग ऑफ हंगर, कि वो भूख से मरने लगा, कि वो भूख से मर रहा था। ही वेंट टू द आंट्स हाउस एंड रिक्वेस्टेड हर टू गिव हिम सम फूड, फिर वो क्या उसने क्या किया कि वो आंट के घर उसके पास गया और उसने उसको रिक्वेस्ट की, विनती की कि मैं भूख से मर रहा हूँ कि मुझे कुछ खाने के लिए दो। द आंट गिव हिम सम फूड, द आंट गिव हिम सम फूड। ग्रासहॉपर वाज फीलिंग बैड डैट ही डिड नॉट लिसन टू हर, आंट ने फिर उसको खाना दे दिया और ग्रास ने अपने आप फील किया कि हाँ कि मेरी ये मिस्टेक है कि मैंने उसकी बात क्यों नहीं सुनी, ठीक है। मॉरल, हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस, ठीक है, कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। बच्चे अगर हम हार्ड वर्क करेंगे ना, ये तो डेफिनेटली ही हमें उसका रिजल्ट मिलेगा, हमें सक्सेस मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही हमें रेगुलर अपनी लाइफ में हार्ड वर्क करते रहना चाहिए। ओके सो स्टूडेंट्स, इसकी हम क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट, ठीक है, असाइनमेंट में करेंगे। ओके थैंक यू, हैव ए नाइस डे।